Morning, everybody. We will study today more about salt. All of you have already studied about salt. How does salt is formed? Salts are formed by chemical reaction of an acid with a base. When any salt, any acid is reacts with any base, then salts are formed. कोई भी salt आप बनाते हैं तो उसके बनने में एक acid और एक base जब reaction करेगा तो salt बनेगा. यानी आप salt पे लिख सकते हैं acid प्लस बेस इक्वल टू साल्ट. ये आप देख सकते हैं. साल्ट के साथ साथ कभी कभी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता और जनरली बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी बनता है. वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि जब पानी नहीं भी बनता है. कुछ ऐसे रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन में कुछ ऐसे ऐसे बेस मिल जाते हैं जिसमें पानी बनने की गुंजाइश नहीं होती है. आप आगे बढ़ो. लेकिन जनरली ये होता है कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर. कोई एसिड का नाम लिख लीजिए. जैसे आप एक कॉमन एसिड HCl की बात करें और कॉमन बेस NaOH की बात करें. देखिए आपको रिएक्शन समझने के लिए रिएक्शन कैसे लिखा जाता है एक बात बता दें. जो NaOH है ना, ये दो पार्ट है, एक Na प्लस और दूसरा OH माइनस. और इसी प्रकार से HCl में भी दो पार्ट हैं, दो आयन हैं, एक H प्लस और एक Cl माइनस. जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, टकराते हैं, इनके मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये सभी चीजें एक्टिवेशन एनर्जी कोलिजियन थ्योरी आपको हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा. लेकिन अभी आप तार को ही सुन लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी वही एनर्जी होती है जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर कंप्लीशन एनी रिएक्शन. तो जब वो रिएक्शन एनर्जी मिल जाएगी तो HCl, H प्लस और Cl माइनस में और Na प्लस और OH माइनस में NaOH स्प्लिट हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा. ये Na प्लस इस Cl माइनस के साथ मिल जाता है और एच प्लस इस OH माइनस के साथ मिल जाता है और प्रोडक्ट मिल जाता है NaCl और प्लस ये जो ये Na प्लस और ये Cl माइनस मिलकर NaCl बन गया. ये H प्लस और ये OH माइनस मिलकर के H2O बना लिए. HOH भी कर सकते हो, इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव को न्यूट्रल कर दिया तो हो गया HOH. HOH का आप शॉर्ट फॉर्म में H2O लिख देते हैं तो HOH भी लिख सकते हैं ऐसे H या इसी को H2O के रूप में लिख सकते हैं. एक बहुत छोटी सी क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि जब Na प्लस के साथ एक OH माइनस जुड़ा हुआ था तो उसे क्या जरूरत पड़ गई कि वो Cl माइनस के साथ जुड़ गया. ये H प्लस के साथ जब एक Cl माइनस जुड़ा था तो ये OH माइनस के साथ क्यों जुड़ गया, क्या जरूरत पड़ी थी? Yes, ये बहुत अच्छी बात है. देखिए भाई क्या होता है कि जब हम भूखे होते हैं तो भूखे होने पर हमें अगर बासी रोटी मिल जाती है तो हम उसको भी खा लेते हैं. लेकिन अगर हमको फ्रेश फूड मिल रहा है तो हम भरपेट फ्रेश फूड खाना चाहेंगे. यहां फूड की बात, यहां पर एक फूड नहीं खाते हैं,
यहाँ का जो कंसेप्ट है, एक टर्म है हर एलिमेंट जो रिएक्शन करने के लिए और बांड बनाने के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है कि बांड किस नेचर का होगा, बांड कैसे बनेगा, उस फैक्टर का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए, कोई भी एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में आने के लिए, हम जब अपने बराबर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के साथ जुड़ेंगे तो ज्यादा दिन तक स्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पर Na+ की जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, उस इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी के साथ में इस Cl- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बैलेंस फॉर्म में, नियर अबाउट बैलेंस फॉर्म में आ जाती है और ये ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़ जाता है, आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाता है। और ये OH- कंप्लीटली जो स्प्लिट हो रहा है, इसका रीजन ये है कि ये जो OH- है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन OH के साथ, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बहुत डीप स्टडी आप अगले क्लासेस में करेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 ही होती है, लेकिन इस 3.5 में हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव लगा है इसका 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अब जो इसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो बैलेंस बचती है टोटल, वो कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू Cl-, रिजल्ट ये होता है कि ये Na+ के साथ अधिक स्टेबल नहीं रहता, बल्कि OH- H+ के साथ अधिक देर तक स्टेबल फॉर्म में रह सकता है। और Na+ Cl- के साथ टू गेट स्टेबिलिटी सच आयनाइजेशन and then combination will takes place and reaction held according such one and salts are formed in such form. तो साल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आप एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगली बात, ये जो टाइप ऑफ साल्ट की आप बात करते हैं कि टाइप ऑफ साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट ये हम कैसे बनाएंगे। साल्ट एक ही टाइप का नहीं हो सकता, जब कोई स्ट्रांग एसिड हो, स्ट्रांग एसिड का सेंस जानते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 7 यानी 7 से बहुत बिलो होगी, 7 जब पीएच वैल्यू होती है तो न्यूट्रल होता है और 7 बिलो 7 जब पीएच होती है तो एसिडिक होता है कोई भी सब्सटेंस। तो किसी भी जितनी ही बिलो होती जाएगी पीएच, उतनी स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, ताकत है बढ़ती जाएगी, उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। जिसकी पीएच बहुत कम होगी वो उतना ही स्ट्रांग, जितना कम पीएच उतना स्ट्रांग एसिड। तो स्ट्रांग एसिड में मैंने आपको पिछले दिन बताया था, आप पिछले दिन की स्टडी में आपको बताया था कि HCl, HNO3, H2SO4 ये स्ट्रांग एसिड होते हैं और बेंजोइक एसिड जो बेंजीन के रिंग पर C डबल ओ लिखते हैं वो बेंजोइक एसिड। आप पढ़ कर देखिए, पलटिए जरा सा पिछले दिन का रिकॉर्ड, पिछले दिन की क्लास का। और एथेनोइक एसिड जैसे जो एसिड है वो वीक होते हैं, NaOH, KOH जैसे जो NaOH या KOH जैसे जो बेस होते हैं वो स्ट्रांग बेस होते हैं, NH4OH लाइक बेसेज आर वीक बेस। जब कोई स्ट्रांग एसिड, जैसे मान लीजिए कि आपने NaOH लिया, एक देखिए एक स्ट्रांग बेस है और इसके साथ में आपने स्ट्रांग ही एसिड लगा दिया है, तो ये भी स्ट्रांग और ये भी स्ट्रांग, तो जो साल्ट बनता है NaCl, ये NaCl न्यूट्रल साल्ट बन जाता है।
neither is the nor basic nature will be expressed by the solution of any CL because both are strong. ये न्यूट्रल साल्ट कहलाता है NaCl जो कि बोर्ड पर ये दिख रहा है, लेकिन अगर इसी NaOH के साथ कोई वीक एसिड लगा हुआ हो जो रिएक्शन कर रहा हो जैसे CH3COOH तो CH3COOH को हम ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूजन मत पालिएगा, CH3COOH ऐसे भी देख सकते हो, या C यहां लिख दीजिए, डबल O इधर लिख दीजिए, एक ही बात है। एक CH3COOH और H प्लस के फॉर्म में, ये OH माइनस और ये Na प्लस के फॉर्म में इस प्रकार से डिसोसिएट होता है। टर्म डिसोसिएशन, डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन का सेंस होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल टूट जाए और टूटने के बाद वो फिर पुनः जुड़ करके अपने पुराने अवस्था में आने की क्षमता रखता है, तो टूटने की इस क्रिया को डिसोसिएशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज टूट जाती है और फिर से जुड़ करके पुरानी अवस्था में नहीं आती तो उसे डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन ये सब चीजें थोड़ी सी आप आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में बताता चल रहा हूँ। यहाँ डिसोसिएशन जो वर्ड मैं यूज करता हूँ, डिसोसिएशन को हिंदी में वियोजन कहते हैं और डिकम्पोजिशन को अपघटन कहते हैं। तो ये सभी शब्दों को आप आगे पढ़ते जाएंगे, डिटेल समझते जाएंगे, अभी तो यहाँ ये यूज भी नहीं किया था लेकिन हमें आपको जानकारी के लिए सब बातें बता दे रहे हैं। जब ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रांग बेस है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो जब जो साल्ट बन रहा है क्या बन रहा है? CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। और वाटर मॉलिक्यूल एज बाई प्रोडक्ट, ये सोडियम एसीटेट कैसा साल्ट होगा आप समझ सकते हैं, जो स्ट्रांग है उसी का कैरेक्टर तो दिखेगा। अगर इसको पानी में घोल देंगे ना, तो पानी में घुलने के बाद ये NaOH बनाएगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ध्यान दीजिए। ये पानी में जब घोल करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये फिर से यही मिलेगा घोल में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फिर से बैक हो जाएगा। तो ये साल्ट जो आपका बना हुआ था, इस साल्ट को आप कहते हैं कि ये साल्ट कैसा होगा बताइए? जो स्ट्रांग होगा वैसा होगा। कौन स्ट्रांग था? बेस। तो ये कैसा हुआ? बेसिक साल्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक साल्ट कैसे बनता है, क्यों बनता है। अब जब बेसिक साल्ट समझ में आ गया तो एसिटिक भी आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि जब उसमें स्ट्रांग एसिड रहेगा, स्ट्रांग एसिड क्या है? HNO3 H2SO4 को बताया गया अभी, H2SO4 HCl HNO3 आपने लिख रखा है, वो देखिए स्टडी करिए। तो ये स्ट्रांग एसिड जब हम आएंगे वीक एसिड की जगह पे, जैसे HCl, HCl क्या है? स्ट्रांग एसिड, आपने ऊपर भी पढ़ रखा है स्ट्रांग एसिड। इस स्ट्रांग एसिड को आप वीक बेस के साथ रिएक्शन देखिए, यहां पर बेस हम वीक ले रहे हैं NH4OH, ये NH4 प्लस के फॉर्म में, OH माइनस के फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में और Cl माइनस के फॉर्म में, ये जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, देखिए रिएक्शन दिखाई दे रहा होगा क्या बनेगा, ये OH माइनस और H प्लस मिलकर पानी बना लिया और ये देखो वाटर मॉलिक्यूल और NH4 प्लस और Cl माइनस मिलकर NH4Cl बना लिया। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, देखिए रिएक्शन में तो हम ऐसे लिख देते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि NH4Cl प्लस वाटर, ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट वो होता है कि जो किसी भी रिएक्शन में
जिसके लिए हम काम नहीं कर रहे होते वो प्राप्त हो जाता है, उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। फ्री में जिसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट क्या है, जैसे आप एक अगरबत्ती खरीदिए, मैं इस अगरबत्ती के साथ में एक चम्मच भी दे देता हूँ, तो आपने उस अगरबत्ती को खरीदा। आप क्या खरीदने गए थे, आप अगरबत्ती खरीदने गए थे, लेकिन आपको एक चम्मच फ्री, तो चम्मच जो है वो बाई प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि मेन प्रोडक्ट आप कहेंगे पैसा खर्च करने गए, कहें सड़क दुकान तक गए, आप तो अगरबत्ती लेने गए थे, तो अगरबत्ती मेन प्रोडक्ट है। आपने 10 रुपए का नोट दिया, आपने 10 रुपए का नोट देने के बाद अगरबत्ती लिया, उसमें आपको एक चम्मच फ्री, तो चम्मच फ्री फ्री जो है उसी को बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जो रोड शहर को छोड़ करके बाहर से निकल जाती है उसे बाईपास कहते हैं, क्योंकि तो शहर में नहीं आती। इस प्रकार से बाई प्रोडक्ट बी वाई स्पेलिंग होती है, बी आई नहीं बी वाई, यानी ये पानी जो है ना ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट देखिए मैं लिख दे रहा हूं बी वाई बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट को हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं, उपजात, और ये आपका मेन प्रोडक्ट है अमोनियम क्लोराइड। तो ये कैसे बना है, स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से। इस प्रकार से वीक बेस और स्ट्रांग एसिड से जो साल्ट बनता है, तो जो स्ट्रांग है उसी प्रकार का साल्ट होगा। ये साल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक साल्ट। तो अब तो कोई चीज साल्ट में बाकी तो नहीं रह गई, आपको साल्ट के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी कि आप अपने लेवल से पूरी जानकारी को दिमाग में रखिए, रिवाइज करिए। अब आप एक कॉमन साल्ट की बात करेंगे, अब आप अगले दिन अपने एक कॉमन साल्ट की बात करेंगे। कॉमन साल्ट नमक को कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम अपने लैंग्वेज में नमक बोलते हैं, और वो उसका स्टडी जिसका फार्मूला NaCl होता है हम अगले दिन करेंगे। अगले दिन से हम एक एक साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।